जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे और उनको उस पद से हटाया गया है। यह कहा जा रहा था कि ललन सिंह जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं, इस वजह से उनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया जा सकता है। हालांकि यह कहा गया कि ललन सिंह जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लिहाजा उनको पार्टी के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से ललन सिंह ने नीतीश कुमार को आग्रह किया कि उनको जो है वो इससे मुक्त किया जाए और फिर से नीतीश कुमार ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। लेकिन जो चर्चाएं तेज थी कि लालू प्रसाद यादव से बेहद करीब थे ललन सिंह और उनको जो है उस पद से इसीलिए हटाया गया, और जो इंडिया अलायंस में जो सीटों का बंटवारा होना है तो उस सीटों के बंटवारे के बारगेनिंग के लिए जो है वो नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी हैं, क्योंकि जिस तरीके की बातें होती है जो सीट बंटवारे की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार थे तो जो है उन्होंने जो बातें रखी थी शर्त के सामने भाजपा का, तो भाजपा ने उस बात को माना था और 6 सीट जो है वो लोजपा को दिया था। लेकिन ऐसे में अब क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में है और अब महागठबंधन जो है वो बिहार में चल रहा है, ऐसे में पहले से ही जेडीयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं ही, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो ललन सिंह संभाल रहे थे। हालांकि इस बीच कई तरह की बातें निकलकर सामने आई, कई विधायकों की बात निकलकर सामने आई, ऐसे में इस वक्त जो है वो दिल्ली में ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को जो उन्होंने इस्तीफा दिया उसको नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया और उसके बाद नीतीश कुमार खुद जो है वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। लेकिन लिहाजा देखिए तस्वीरें हैं द सर्कुलर राबड़ी हाउस की, यहाँ पर का नज़ारा किस तरीके का है। तमाम जो बिहार के डिप्टी CM हो या पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हो या राबड़ी देवी हो, तो तमाम जो लोग हैं वो द सर्कुलर के अंदर मौजूद हैं। जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके की बातें चल रही थी कि बिहार में अगर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि विजेंद्र यादव और ललन सिंह जो है महागठबंधन में आने के लिए नीतीश कुमार को उन्होंने प्रेशराइज किया था, क्योंकि ये बात नीतीश कुमार ने खुद कहा था। नीतीश कुमार एक बैठक के दौरान उन्होंने विजेंद्र यादव और ललन सिंह का नाम लिया था और कहा था कि इन लोगों के कहने की वजह से जो है वह महागठबंधन में शामिल हुए हैं। लिहाजा अब जो चर्चाएं तेज हो रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार जाएंगे क्या, फिर से भाजपा में चले जाएंगे, इस तरह के सवाल जो है वो फिर से उठने शुरू हो गए थे। लेकिन अब इस पर जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके की कड़ी जोड़कर देखी जा रही है और उसी प्रकार से ललन सिंह को पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया है, अब जो है वो निर्णय, सारी चीज़ों का निर्णय नीतीश कुमार के हाथ में होगा, पार्टी का, विधायकों का, और पहले भी रहा है लेकिन अब पूरी तरीके से हस्ताक्षर भी अब नीतीश कुमार का ही चलेगा, क्योंकि अब पार्टी के सर्वमान नेता नीतीश कुमार ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासत में क्या कुछ उलटफेर होता है। लेकिन इस बैठक पर नज़र सबकी बनी हुई थी, तमाम जो पार्टियां हैं राजनीतिक पार्टियां उसकी नज़र इस बैठक पर बनी थी और हुआ भी वही, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दिया, यानी कि ललन सिंह पदमुक्त हुए और नीतीश कुमार ने फिर से जेडीयू का पद ग्रहण किया।